एकदम वही रिबॉन वाले कर दिए गए हैं जो आपका हंटर वगैरह में भी आते हैं। ये देखो पूरे स्विचेस चेंज हैं और इसके एकदम नॉर्मल एकदम एम आई वाले वाले थे तो जिसको चेंज कर दिया गया। अब ये ऑनेस्टली दिखने में ना, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज हमारे पास खड़ी है दो चमचमाती हुई रॉयल एनफील्ड की बाइक और दोनों है GT 650, बट एक है 2022 वाला मॉडल, ये जो सामने खड़ा है, एक है 2023 वाला मॉडल, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। तो आज हम दोनों ही बाइकों के डिफरेंसेस बताएंगे कि क्या मेन मेन चेंजेस हुए हैं, आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो अब बिना किसी तरीके में चलता हूँ कैमरे के पीछे और रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होगे, नहीं कर पा रहे तो मैं बताऊँ, ये नहीं हेडलाइट, ये देखो इसमें भाई LED हेडलाइट आ चुकी हैं, ठीक, जो दिखने में ऑनेस्टली बताऊँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ऊपर से ये जो रॉयल एनफील्ड का लोगो है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और भाई LED हेडलाइट है तो ब्राइटनेस तो ज़्यादा मिलेगी। इसमें देख लो नॉर्मल हाइलोजन बल्ब है, बट इसमें ये देखो छोटा सा सिटी हेडलाइट दे रखा है जो DRL का काम करता है आपका। और इसमें तो भाई एकदम मस्त सा हो चुका है। उसके बाद जो सेकंड चेंज है वो है, अब इसमें आ चुका है हमारा अलॉय व्हील्स जो दिखने में भी भाई अच्छा लगता है। इसमें अब आ चुका है हमारा अलॉय व्हील्स जो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी लोग को नीड भी होती है अलॉय व्हील्स की। इसमें भाई भाई पुराने तिल्ली वाले फोक्स जिसे कहते हैं वो आता है। साथ ही में कंपनी ने क्या किया है, इसमें देखो आप लोग जो टायर का ब्रांड है वो चेंज कर दिया है। ये जो कंपनी है ये स्पोर्ट बाइकों में टायर बनाती है, एकदम वेडर्सी या चोरी कहते हैं इसको। और इसमें नॉर्मल हमारे C8 के टायर आते हैं या कभी कभी मोस्टली C8 के टायर आते हैं, देखो C8 के टायर हैं। बाकी एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे होगे, अब ये आ चुका है इसका इंजन पूरा ब्लैक हो चुका है, इसके साइलेंसर पूरे ब्लैक हो चुके हैं। और ये जो पुरानी वाली है ये पूरा क्रोम है और ये मिस्टर क्लीन वाला है तो इसमें कुछ ज़्यादा ही क्रोम है, जैसे ये पूरा टैंक वगैरह पे भी क्रोम दे रखा है। बाकी बात करें और क्या क्या चेंजेस हैं इसके, आप लोग ब्रेक लीवर देखो, ठीक, एक चीज़ देखना इसके ब्रेक लीवर देखो, डिज़ाइन चेंज है पूरा, थोड़ा सा और ये से ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया गया है, थोड़ा सा ऐसे कर्व दे रखा है इसका, देखो इसका कर्व कम है, इसमें ऐसे कर्व हो चुका है, ठीक, तो इसमें कर्व हो चुका है। साथ ही में थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक, ये वाला भी देखो इसमें वही कर्व और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही में जो और इसका चेंज है, अब चलते हैं, हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, इसका पूरा आप हैंडल बार देख लो, देख लिया इसका हैंडल बार देखो, देख लिया आप लोगों ने। अब मैं बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो आप लोग इसकी ग्रिप देखो पूरी, आप इसकी ये ग्रिप देखो, इस वाले की ग्रिप देखो, जैसे हमारी क्लासिक रिबॉन आती है ना उस टाइप की इसकी ग्रिप कर दी गई, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल है इस वाले से आप कंपेयर करें तो। ऑनेस्टली मतलब ये पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस रॉयल इनफील्ड की इसमें ब्रांडिंग हो रखी है। एक चेंज ये हो गया, उसके बाद स्विचेस पे ध्यान दो आप लोग, इसके स्विचेस एकदम वही रिबॉन वाले कर दिए गए हैं जो आपका हंटर वगैरह में भी आते हैं। ये देखो पूरे स्विचेस चेंज हैं और इसके एकदम नॉर्मल एकदम एम आई वाले वाले थे तो जिसको चेंज कर दिया गया। अब ये ऑनेस्टली दिखने में ना इसके स्विचेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मॉडर्न लगते हैं। उसके बाद जो इसमें नई चीज़ ऐड हो गई है, ये देखो आप लोग, हैजार्ड लाइट का स्विच दे रखा है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है आपका। इसमें देखो हैजार्ड लाइट का स्विच मिसिंग है, कहीं भी इसमें हैजार्ड लाइट का स्विच नहीं है। और हैजार्ड लाइट के स्विच की मेन चीज़ है ना भाई, जैसे मान लो कभी आपको इमरजेंसी हुई तो आप उसको जला के जा सकते हो, जिससे सामने वाले को आइडिया हो जाता है कि कुछ इमरजेंसी, या तो कोहरे वगैरह में, या तो आप लोग कहीं पार्क कर रहे हो बाइक तो वहाँ पर जला सकते हो। इसमें क्या होता था कि आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता था, बट इसमें कंपनी ने दे दिया तो भाई आप लोग जानती हो जो चीज़ कंपनी से मिलती है वो बेस्ट होती है, उसमें कोई तामझाम आपको अलग से नहीं करवाना पड़ता है। तो ये थे चेंजेस। अब बात करें इंजन पे, इंजन इसका देख लो और आप इसका इंजन देख लो, इंजन पूरा सेम है, इंजन में कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भी आपको डुअल हॉर्न मिल जाता था, इसमें भी आपको डुअल हॉर्न मिल रहा है, तो जो मेन मेन चीज़ें थी वो चेंज नहीं की गई हैं, कुछ नई चीज़ें बस ऐड की गई हैं जो इस बाइक को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाती हैं। अब आप एक बार बैक से चेक करो दोनों का लुक, भाई बैकग्राउंड से अगर नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बाइक में ये तो रोड पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो बैक से लुक ऑलमोस्ट सेम है। मुझे लगता है इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए था, देखो तो जो इन्होंने चेंजेस किए थोड़े से और चेंजेस हो जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे LED
एलईडी इंडिकेटर दे देते या पीछे का पोर्शन एलईडी देते और ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि जो चेंजेस हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो हैं ही अच्छे, बट भाई एक होता है ना कि आप थोड़ा सा पे कर रहे हो तो आपकी डिमांड होती है कि कुछ और मिल जाए। भाई इंसान का मन कहाँ बढ़ता है, वही सेम चीज़ें थोड़ी सी और चीज़ें मिल जाती तो और मज़ा आता, वरना अच्छा खासा तो डिफरेंस है। अब आते हैं सीट पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 810 mm की सीट हाइट, जो पुरानी वाली है, बट नई वाली की जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है, ये हो चुकी है 805 mm की, ठीक, तो इसकी सीट हाइट कम हो चुकी है। साथ ही में जहाँ तक बात करें वेट का, थोड़ा सा इसका जो वेट है ना नई वाली का 2 से 4 kg बढ़ चुका है, तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, वरना ऑलमोस्ट जो मेन चीज़ें थी वो सेम ही थी। डुअल चैनल ईबीएस इसमें भी आता था, डुअल चैनल ईबीएस इसमें भी आता है। बात करें आपकी डिस्प्ले की, दोनों की डिस्प्ले भी सेम ही है, पीछे वाली डिस्प्ले भी सेम है, साइज सब कुछ सेम है, टायर की जो चौड़ाई है वो भी सेम है, ठीक, तो ऑलमोस्ट सेम ही है मेन चीज़ें, बट थोड़ी सी ट्विनिंग करके थोड़ी सी चीज़ें ऐड करके इसको मॉडर्न लुक दे दिया गया है, मॉडर्न टचेस दे दिए गए हैं, जो कि ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एक चीज़ और नोटिस करना, जिसमें ब्रेक फ्लूइड रहता है ना, इसका भी शेप चेंज हो चुका है, वही रिबॉन वाला हो चुका है, क्लासिक रिबॉन, देखो इसका देखना और इसका देखो, दोनों का फ्लूइड डालने वाला चेंज हो चुका है, तो ये कुछ इसमें चेंजेस थे। अब जल्दी से मैं कैमरे के सामने आता हूँ और आप लोगों को प्राइस वगैरह बताता हूँ। दोनों ही बाइकों के मेन डिफरेंसेस बता दिए, बट ऑनेस्टली बताऊँ मुझे नई वाली ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ब्लैक थीम पे जो बना रखा है ना, थोड़ा सा इसे बिग बाइक फील और मॉडर्न लुक भी दे। अब हो सकता है कुछ लोग को ये मिस्टर क्लीन वाली पसंद आए, देखो ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर हो सकता है कि आपको कौन से कलर में बाइक ज़्यादा पसंद आ रही है। मुझे तो ये नया वाला अच्छा लगा ब्लैक थीम पे, तो आप अगर चाहो तो इसे बिल्कुल ले सकते हो। अब आते हैं मेन चीज़ पे भाई, प्राइस। देखो जो ये हमारा मिस्टर क्लीन खड़ा है, पहले ही आता था 4 lakh का लखनऊ में ऑन रोड, बट अब इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है, अब ये हो चुका है 4,14,000 का। और जो पहले आती थी कॉन्टिनेंटल GT 650, वो आती थी 3,75,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ का, बट जो नई आई है हमारी ये एपेक्स ग्रे 2023 वाला मॉडल, अब ये लखनऊ में ऑन रोड हो चुका है 4 lakh का विदाउट एनी एसेसरीज। बट जो चेंजेस किए गए हैं बाइक पे, देखो कहने को ये छोटे छोटे चीज़ें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एक आपका हैजार्ड दे दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो कंपनी दे रही है, साथ ही में स्विचेस चेंज हो चुके हैं, मेन चीज़ अलॉय व्हील्स आ चुका है। अब काफ़ी लोग को प्रॉब्लम होती थी बाहर से अलॉय व्हील्स लगवाने में या बाद में अलॉय व्हील्स लगवाने में, अब वो कंपनी फिटेड आ रहे हैं तो वो लोग फ्रीली राइड कर सकते हैं। साथ ही मेन चीज़ देखो, टायर का ब्रांड चेंज हो चुका है। इस टायर के बारे में सर्च करोगे आप तो स्पोर्ट बाइक के मेनली ये कंपनी टायर बनाती है, इनकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी होती। अब इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, देखो इतनी हैवी बाइक है तो आपको टायर अच्छे चाहिए, जिससे ब्रेकिंग अच्छी होगी, कॉर्नरिंग अच्छी होगी, हाई स्पीड में स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, तो ये भी चेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हेडलाइट चेंज जो की है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।